हेलो दोस्तों, ये क्लास 10th के लिए है। तो ये वाली वीडियो जो बना रहा हूँ क्लास 10th के लिए है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 2 कवर करेंगे, जिसका नाम है बहुपद। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सभी जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप मेरे सबसे पहले देख सकें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है बहुपद, चैप्टर 2। तो बहुपद होता क्या, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, बहुपद बहुत ही आसान चैप्टर है, इतना भारी भी नहीं है जितना भारी से लोग समझते हैं। ठीक है, 10th लेवल पर तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद एक ऐसी समीकरण है जिसमें अचर पद और चर पद दो तो चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो देखते हैं कैसे, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसी समीकरण जो चर व अचर पदों से मिलकर बनी हो। अब देखो, चर और अचर पद, जो हमारे चर होते हैं वो हमारी संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3 डैश कुछ भी हो। और जो हमारा अचर होता है वो हमारे इंग्लिश वाले वर्ड होते हैं, जैसे ए बी सी डेटा जेड, जो भी हमारे इंग्लिश वाले वर्ड होते हैं वो हमारे अचर पद होते हैं। ठीक है, अब बहुपद का ऐसा नहीं है कि कोई भी इंग्लिश वाला वर्ड जोड़ दिया या संख्या जोड़ दी हमारा चर बहुपद बन जाएगा। तो बहुपद के लिए हमें क्या करना होता है, बहुपद के लिए हमें इंग्लिश का एक ही अक्षर का यूज करना होता है। जैसे हमें एक बहुपद बनाना है, हमें जैसे मान लो y के लिए बनाना, तो y² + 2y + 2। तो यहाँ देखो y y है, ऐसा नहीं इसमें हम y जोड़ दें फिर x भी जोड़ दें फिर a भी जोड़ दें, नहीं तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है, जिसमें एक ही वेरिएबल्स होता है, यानी कि एक ही अचर पद हो। ठीक है, वो हमारा बहुपद होता है। अब बहुपद जो होते हैं वो जो आपके बुक में है, 10th क्लास की बुक में, वो 3 प्रकार के दिए गए हैं, एक तो रैखिक बहुपद, एक द्विघाती बहुपद और एक त्रिघाती बहुपद। तो हम बात करते हैं रैखिक बहुपद की। पहला हमारा क्या आता है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को लाइनर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। रैखिक बहुपद क्या होते हैं, जिसमें एक्स की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक्स की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, एक्स की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। जैसे हमारे x+1 हो गया, और हमारा 2x+1 हो गया, तो 3x+1 हो गया, या वाई में भी किसी भी उसमें हो सकती है, 2y+1 हो गया, या ए में भी हो सकती है, 4a+2 हो गया, इस तरह से। तो जितनी भी पावर थे उसकी पावर होती है जो हमारा जो इंग्लिश वाला वर्ड होता है, ऐसे अचर पद होता है उसके ऊपर, यानी यहाँ पर जो भी नंबर चढ़ा होगा वो हमारा क्या होती है, पावर होती है, यानी घात होती है। इंग्लिश में उसको पावर कह लो या डिग्री कह लो। ठीक है, पावर कह लो, डिग्री कह लो, घात कह लो इंग्लिश में। ठीक है, तो जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 घात होती है। ठीक, यह तो बात हुई थी रैखिक बहुपद की। इसके बाद देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में क्या होगा, इसमें क्या x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं समीकरण बना लेते हैं, x² + 2x + 1। तो इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो एक और बनाते हैं 2y² + 3x + 1। यहाँ सॉरी, ये हमारा बहुपद नहीं है, हमने x लिख दिया, यहाँ पर वाई लिख देते हैं। तो एक्स वाई की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये हमारा द्विघात हो गया, या ax² + bx + c। यहाँ पर ए बी और सी के हमारे चर पद है, यहाँ के आप कोई भी नंबर रख सकते हो, ये व्यापक समीकरण है, तो पावर 2 है तो द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, तो द्विघात बहुपद आसान था। इसके बाद देखते हैं हम त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होगा, त्रिघात बहुपद, जैसे कि नाम चला त्रिघात, त्रि का मतलब 3, घात का मतलब डिग्री। त्रिघात बहुपद यानी कि अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हम मानते हैं y³ + 2y² + 2y+1, तो अधिकतम घात कितनी हमारी, 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ऐसे x में भी हो सकती है, x³ + 4x² + 3x+1, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिघात बहुपद हो जाएगी। अधिकतम घात कितनी है इसकी, 3 है।
ठीक है, तो इसका व्यापक समीकरण क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण होता है a x की पावर 3 प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d। यहाँ पर a b c और d ये क्या है हमारे, ये हमारे चर पद हैं। यहाँ पर आप कोई भी संख्या रख सकते हो तो हमारी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये तो हमारे भी बहुपद की बात, कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। अब बात करते हैं आपके जो एक्सरसाइज है 2.1, उसमें हम क्या करेंगे। 2.1 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, उसमें बस उन्होंने हमारे लिए ग्राफ दे रखे हैं और उसमें जो एक्स की लाइन दे रखी है उसमें वो पूछ रहा है कि शून्यांक क्या होते हैं। ग्राफ का मैं आपको बता दूं, ग्राफ में हमेशा दो ही लाइन होती है, तो हम 2D ग्राफ पढ़ेंगे तो दो लाइन होंगे इसके अंदर। एक एक्स एक्स डैश, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस, और ये हमारा होता है वाई अक्ष, वाई वाई डैश, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, हमेशा इनको कैपिटल में लिखा जाता है, ये हमारा सेंटर होता है, यहाँ 0 0, इसे आप नाम भी दे सकते हो ओ। ठीक है, तो अगर कोई लाइन एक्स से होकर जा रही है तो एक्स के शून्यांक होंगे, कोई लाइन वाई से होकर जा रही है तो वाई के शून्यांक होंगे। शून्यांक हमारे, शून्यांक शून्यांक होते हैं जिस हमारे बहुपद पढ़े हमने, एकाध द्विघात त्रिघात, जिसकी पावर जितनी होती है उसको उतने शून्यांक होते हैं। जैसे द्विघात की पावर सबसे बड़े 2 होते तो उसके 2 शून्यांक निकलेंगे, त्रिघात की सबसे बड़ी पावर 3 होती है तो उसके 3 शून्यांक निकलेंगे, रैखिक बहुपद में एक घात होते हैं उसके 1 शून्यांक निकलेंगे। तो शून्यांक को हम मूल भी कहते हैं, इसको रूट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों तीनों नाम याद रखें, मूल, शून्यांक और ये रूट। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज 2.1, तो एक्सरसाइज देख लेते हैं बुक में से। एक्सरसाइज बुक में क्या है, बहुत ही आसान है। तो हम पहला क्वेश्चन, इसमें क्या है, हमें इसमें ग्राफ दिए गए हैं, तो उसमें कह रहा है कि हमें प्रत्येक जो स्थिति है उसमें शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है, कि जो ग्राफ दिया गया है उसके प्रत्येक स्थिति में कितने शून्यांक है। उसका पहला ग्राफ देखते हैं, पहले ग्राफ में क्या कह रहा है। पहला ग्राफ है बहुत ही आसान, ये हमारा एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया, सेंटर में हमारा ओ हो गया। तो ये लाइन है कि इधर से ऐसे जा रही है। यहाँ पर आप देखिए ये जो लाइन हमारी गई हुई है उसका कोई नाम नहीं है, तो ये लाइन दी गई है हमारी। ठीक है, ये क्या एक्स एक्स को टच कर रही है, ये एक्स एक्स हमारा ये वाला है एक्स एक्स डैश, ये एक्स एक्स को टच नहीं कर रही, यानी कि यहाँ पर एक्स के शून्यांक कितने हो जाएंगे, यहाँ पर एक्स के शून्यांक 0 हो जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान था। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में कह रहा है ये हमारा एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये हमारा ओ हो गया। तो इसमें कुछ इस तरह से जा रहा है ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए ये एक्स एक्स को कहाँ पर टच कर रही है, एक्स एक्स को यहाँ पर टच कर रही है, वो भी एक बार, यहाँ पर एक बार टच कर रही है। तो इसके जो शून्यांक हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इसके शून्यांकों की संख्या 1 हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सिंपल कहने का मतलब यह है कि जो जो लाइन खींचेंगे वो एक्स एक्स को जितनी बार टच करेगी या छूकर भी जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसको उतने शून्यांक हो जाएंगे। जैसे अगला वाला देख लो, तीसरा वाला, तीसरा वाला जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है, ये एक्स डैश हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरह से है, इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर देखो एक्स एक्स को कहाँ टच कर रही है, 1 2 और ये 3, ये 3 जगह टच कर गया, तो इसके शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हमें ये वाई वाला नहीं गिनना, कभी वाई वाला भी आप गिन लो, वाई वाला नहीं गिनना। ठीक है, क्योंकि हमें एक्स का यहाँ पर पूछा है ना कि हमें पी एक्स के लिए समीकरण दी गई है, तो हमें एक्स वाले देखने हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा देख लीजिए, चौथा सवाल, ये चौथा सवाल हमारा ये रहा, ये कुछ इस तरह से दिया गया है। यहाँ पे देखो एक्स एक्स को कितनी जगह टच करे, 1 ये 2, हमारा एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हमारा ओ हो गया। तो एक्स 2 जगह टच करे, 1 2, तो इसके शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत आसान था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ, में देखो कुछ इस तरह से दिया गया है, एक्स हो गया, एक्स डैश
वाई हो गया, वाई डैश, ये कुछ इस तरह से बना गया डायग्राम, इस तरह से। यहाँ पर देखो एक दो तीन चार, तो एक्स वाई लाइन को ये चार जगह टच कर रही है, तो ये इसके शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद सिक्स्थ वाला देख लेते हैं। सिक्स्थ में क्या कह रहा है, सिक्स्थ में देखो डायग्राम, जो बच्चे को डाउट होगा वही डायग्राम आ गया। यदि टच करके जाएगी तो शून्यांक कैसे होंगे, एक्स एक्स डैश, तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम है, इस तरह से। तो देखो यहाँ पर एक जगह यहाँ काट ले एक, ये दो, ये तीन, ये तीन जगह पर टच करे, अगर स्पर्श करके भी जाएगी तो भी हम शून्यांक गिनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये सारे सवाल हो गए आपके, और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो इसी तरह से नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर बने रहिए, और वीडियो देखने के लिए यदि इस कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें।